Hello guys, so welcome back to my YouTube channel Shivu Vlogs. My name is Shivam Tiwari, but you guys can call me Shivu. जैसा कि मैंने आपसे पहले वाली वीडियोस में बोला था कि अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कोटा कोचिंग्स की रीओपनिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह की न्यू गाइडलाइन से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगा. सो गाइज, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के बीच एक न्यू अपडेट एंड न्यू गाइडलाइंस को लेकर कोटा कोचिंग्स की रीओपनिंग से रिलेटेड. तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ. क्या आप जेई नीट क्लास 9 या फिर क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोटा के टॉप मोस्ट IITs एंड डॉक्टर फैकल्टीज ने जो लेक्चर्स बनाए, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर्स विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वो भी सब एक जगह पर, अगर हाँ तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी इसरल ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आज ही इसरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम के तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं. ऑल द बेस्ट गाइज. तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं, उसमें जो भी लिखा है, आइए मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ. उसमें लिखा है गाइस, प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों की निजी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 1 फरवरी 2022 से एवं कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 10 फरवरी 2022 से संचालित की जा सकेंगी. विद्यार्थियों को माता पिता अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात ही अध्ययन हेतु परिसर में आने की अनुमति होगी. एंड गाइस, जो भी नोटिस आया है कल 28 तारीख को, तो वो मैं आपको वीडियो में शो कर दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके वो नोटिस पढ़ लीजिएगा. सो गाइस, जो भी क्लास 10 से 12 तक की हैं, वो सभी 1 फरवरी से ओपन हो जाएंगी. एंड जो भी क्लास 6 to 9 तक की हैं, वो सभी आपको 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी. एंड गाइस, जो भी बच्चे ऑफलाइन मोड में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आपको अपने पेरेंट्स से एक रिटन परमिशन लेटर लेकर आना होगा. उसी परमिशन लेटर के थ्रू आप ऑफलाइन मोड में क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके. एंड गाइस, कोटा में जो अभी एडमिशन की प्रोसेस है, वो अभी सब कुछ ओपन है. अभी कोटा में एडमिशंस वगैरह हो रहे हैं, तो जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स कोटा आना चाहते हैं एडमिशन वगैरह करवाने के लिए, तो वो आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. उन्हें किसी भी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करनी पड़ेगी. तो ये तो थी गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस एंड नोटिस की बात. जो भी बच्चे LM में पढ़ते हैं, तो उनको टेक्स्ट मैसेज जरूर मिल जाएगा कि उनकी ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होने जा रही है. तो अगर आप लोगों को जब भी टेक्स्ट मैसेज मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड अपने माता पिता से प्यार करते रहिएगा. बाय गाइस.